सभी को जय श्री राम। अयोध्या से केदारनाथ की पैदल यात्रा में आज है मेरा 30वां दिन और अभी इस वक्त मैं हूँ कर्णप्रयाग में। तो ये आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो में तो देख ही लिया किस प्रकार से यहाँ दो नदियों का अनोखा संगम हो रहा है। तो आज की जो मेरी जर्नी है, यानी कि आज जो मैं रुकूंगा जाके रात को, वो है रुद्रप्रयाग। ज़्यादा दूरी नहीं है रुद्रप्रयाग का कर्णप्रयाग से, शायद 30-32 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो फिर से चल दिए हैं श्री बाबा केदारनाथ जी की तरफ मेरे कदम, और अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैं पहुंच जाऊंगा श्री बाबा केदारनाथ जी के दरबार में। तो चलिए भाई साहब, यहां से निकलता हूं घाट से बाहर रोड की तरफ, फिर घूम के उस वाले पुल से आगे जाना पड़ेगा और रास्ते में कहीं नाश्ता वगैरह कर लूँगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। तो पहले मेन रोड पर पहुँचता हूँ। वो नीचे आश्रम है, वो वाला आश्रम, वहीं रात को मैं रुका हुआ था। और ये पिंडार नदी आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से व्यू दिख रहा है यहाँ से, देखो दो नदियों का संगम हो रहा है बहुत ताबड़तोड़। तो भाई ये पुल क्रॉस करूँगा आगे चल के, फिर इस तरफ जाना है मुझे रुद्रप्रयाग की तरफ। वाह, ये ब्रिज भी ना कमाल का बना है, ये पैदल चलने वालों के लिए, उधर गाड़ी आने जाने वालों के लिए है। तो यहाँ से एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को किस प्रकार से व्यू दिख रहा है इस संगम का। भूल गया था यार, कल मैं यहाँ से नहीं दिखा पाया था पिछली वीडियो में। ये देखो, ये पिंडार नदी है, उस तरफ वाली वो अलकनंदा है। तो ऐसा दिखता, वो आश्रम में था मैं रात को, शाम को नीचे वाले में। तो ये ऐसा व्यू दिखता है। तो भाई साहब चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और घुमाते हैं कर्ण मंदिर। ये कर्णप्रयाग है ना, तो श्री कृष्ण कर्ण मंदिर करके यहाँ बना हुआ है। तो मैंने सोचा यार यहाँ से निकलने से पहले आप लोगों को दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में तो मैंने आप लोगों को दर्शन नहीं करवाया था। तो वो वाला देखो कर्ण का मंदिर है, वो श्री कृष्ण कर्ण मंदिर। तो ये रास्ता है इधर ऊपर जाने का, श्री कृष्ण कर्ण मंदिर है सामने, और अभी आपको कर्ण जी के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए वो हैं श्री, वो कर्ण हैं, ये श्री कृष्ण हैं और वो कर्ण जी हैं। बहुत भव्य मंदिर बना है, पुजारी जी मौजूद रहते हैं प्रसाद देने के लिए और तिलक लगाने के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को दर्शन भी करवाए देते हैं, फिर रुद्रप्रयाग निकलेंगे। मेरे फैन है, बोलते हैं ब्लॉग वगैरह देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेय है, तो मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है। अच्छा, क्या क्या नाम से? सेव ट्रीज बाय श्रेय। सेव ट्रीज बाय श्रेय। चलो भाई जरूर विजिट करना इनको, ब्लॉग वगैरह देखना, तुम्हारा भी चैनल है अच्छी है, और छोटू की फैमिली है, और स्पेशली गुजरात सोमनाथ से है ना। सोमनाथ जी के दर्शन नहीं करवाएं आपको, फिर कभी मौका मिलेगा तो एक बार द्वारकाधीश और सोमनाथ जरूर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ये अभी जो छोटू मिले थे हमें, वो ये छोटू के दोनों मामा हैं। क्या नाम है आपका पहले? आपका अपूर्वा। अपूर्वा, और आपका? समर्थ। समर्थ भाई गुजराती से। बाकी ये भाई लोग हैं, सब लोग फैमिली हैं। आपका? बिंदिया। बिंदिया, अच्छा लगा मिलके, आप सब लोगों से अच्छा लगा मिलके। आपका भाई जी? दीपक। दीपक मेरे काका काकी हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा, गुजराती भाई बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों को मैंने कर्ण मंदिर भी दिखा दिया, अब यहाँ से निकलेंगे। सुबह के बज रहे हैं 9, और थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे आगे चल के। कुछ इस प्रकार से बड़े बड़े पत्थर रोड के किनारे ऐसे टंगे हुए मिल जाएंगे। आगे चल कर तो और ख़तरनाक वाला व्यू दिखेगा भाई। तो ऐसा माहौल दिखता है यहाँ से। अभी मुझे फिर से वहाँ जाना पड़ेगा, दो पहाड़ियों के उस पार ही रुद्रप्रयाग है, लेकिन एक पहाड़ी के शायद 7 फेरे लेने पड़ते हैं, उससे भी ज़्यादा फेरे लेने पड़ जाते हैं भाई। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ रास्ते होते हैं पहाड़ों में, और दो पहाड़ी के बाद रुद्रप्रयाग है, लेकिन आप समझ लीजिए 30-32 किलोमीटर का डिस्टेंस है किस हिसाब से होगा। और इधर देखो पत्थर कितनी भयानक भयानक टंगे हुए हैं भाई, कभी भी गिर सकते हैं। तो जो ड्राइवर ओवरटेक करके गाड़ी चलाते हैं वो मेरी बात ध्यान से सुन लें। मैं इस वीडियो के जरिए उन लोगों को मैसेज भेजना चाहता हूं कि हम जैसे पैदल यात्री या फिर कोई और गाड़ी घोड़ा वाला या फिर खुद तुम यानी ड्राइवर, अपनी लाइफ को सेफ रखो अच्छे से। आपका परिवार, आपका घर आपका इंतज़ार में बैठा रहता है। ओवरटेक गाड़ी चलाओगे तो खुद तो मरोगे, दूसरों को भी मारोगे, क्योंकि मैं जिस हिसाब से चल रहा हूँ रोड पर बहुत देखता हूँ भाई साहब, एक्सीडेंट बहुत होते हैं और ख़ास तौर से ओवरटेक पर ही होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ना अपनी लाइफ को सेफ़ रखिए, फैमिली को सेफ़ रखिए,
बस मेरी आप लोगों से यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। धार्मिक तीर्थ नगरी कर्णप्रयाग पुनः आगमन की प्रतीक्षा में आपके लिए बैठा रहेगा। आप रहोगे तो वापस जरूर आना कर्णप्रयाग, क्योंकि ये धार्मिक और तीर्थ नगरी है। आगे चल के तो माँ कसम इतना खतरनाक वाला रास्ता मिलने वाला है जिसका कोई जवाब नहीं यार। रोड पे काम भी चल रहा है, आप लोग ऊपर देख रहे हो ना किस हिसाब से बड़े बड़े पत्थर टंगे हुए हैं। अब देख लो कितना खतरा है भाई, और इसे तोड़ तोड़ के काट काट के रोड को चौड़ी कर रहे हैं यार। ऊपर वाला भी गिरा देते थोड़ी मेहनत करके, क्या भरोसा कभी भी गिर सकता है यार। तो काम चल रहा है भाई, ऐसे पत्थर टंगे हुए हैं। अब रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। वाह, वो वहाँ गुफा है। गुफाओं में घुसना खतरे से खाली नहीं है। तो देखो रोड का निर्माण कार्य हो रहा है, आगे चल के एक पुलिया आने वाली है, और ये पत्थर बहुत मजबूत है यार। किस हिसाब से तोड़ते होंगे यहाँ, बहुत रिस्क लेके तोड़ते होंगे भाई। मैं एक भैया जी इनकी छोटी सी दुकान पे रुका हुआ हूँ, और ये भैया जी हैं अपने, क्या नाम भैया जी आपका? मेरा नाम बीरेंद्र सिंह रावत। बीरेंद्र सिंह रावत, ग्राम सिरण। अच्छा जी, और भैया जी के दुकान पे छोटे से ये खा लेते हैं भाई खीरा। सुबह खाना इसलिए नहीं खाता, मैं नींद लगने लगती है, तो यहाँ से खा के अभी 4-5 मिनट बाद मैं आगे के लिए निकलूँगा। सुबह के 11 बज रहे हैं और बहुत तेज़ की धूप हो गई है यार। हवा तो चल रही है, अभी जस्ट चलने लगी है भाई, वरना पसीना पसीना हो गया था यार। डर रहता है भाई पत्थरों को खिसकने का, ऊपर से कभी भी गिर सकते हैं। बंदर खंड, तो शायद ये बंदरखंड कोई गांव है, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है भाई। और धूप इतनी तेज़ है भाई, और अभी ढाबा नहीं मिल रहा यार। मैं सोच रहा था आगे कहीं कोई ढाबा मिल जाए और बैठ के खाना खा लूं, क्योंकि शायद टाउन है ये, गौचर नाम है इसका। और ये शॉर्टकट लेके नीचे जा रहा हूँ, वो रोड है, मेन रोड उधर है। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया शॉर्टकट लेने में, और मेन रोड नीचे ही है। ये इधर है भाई रोड। 12 बज गए हैं यार, और अभी तक कोई ढाबा नहीं मिला यार जहाँ की मैं रोटी खा सकूँ। थोड़ी सी समस्या ये है कि पीछे मैंने 2 रेस्टोरेंट छोड़ दिए थे, क्योंकि मैं सोच रहा था थोड़ा और टाइम हो उसके बाद खाऊंगा तो मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक ढाबा है। अभी मैं कर्णप्रयाग से समथिंग 10 किलोमीटर आगे हूँ, और मैं मिलाना चाहता हूँ आप लोगों को, जो है ये रानी खेत में मिले थे, मेरे बड़े भैया हैं। अब मेरे बड़े भैया हो गए, मेरे सब कुछ हो गए, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा वज़न बढ़ा दिया है। अभी तक आप लोगों ने मुझे ऐसा नहीं देखा होगा, लेकिन अब आप लोग जर्नी में मुझे ऐसा देखेंगे, एक पीछे भी एक आगे भी। बाकी भी आपसे मिलकर अनुराग भाई ऐसे हैं भाई, इनसे हम इंस्पायर हो गए हैं, और ऐसे ही भाइयों को हम ये बोलेंगे कि हर किसी हिंदुत्व के मन में इतनी ही श्रद्धा होनी चाहिए जितनी हमने इनमें देखी। हमें ये रानी खेत में मिले थे, अभी हम केदारनाथ की यात्रा करके भी वापस आ गए हैं, और हम इनसे मिल रहे हैं, तो हमारे लिए भी बहुत प्राउड की बात है। आप सभी लोगों से वापस कहता हूँ, इस भाई को जितना सपोर्ट करो उतना करो, ऐसे लोग जिंदगी में नहीं देखे ना मिलेंगे भाई। थैंक यू जी, जी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और लाइफ रहेगी तो आगे चल के ऐसे ही मुलाकात होगी आपसे। बिल्कुल, और मैं तो चाहता हूँ हर किसी की उम्र बड़ी हो, मुझसे भी कई आधार गुना बड़ी और भाई ऐसे हो जितनी हो सके। मैं तो यात्रा करता ही रहूँगा, अच्छी अच्छी जगहों पर आप लोगों को घुमाता ही रहूँगा। बाकी मेरी लाइफ में अब तक अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा सब बिग अचीवमेंट है सच में। मतलब अभी तक की जर्नी में सोशल प्लेटफॉर्म पर जो जो लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनसे कंपेयर तो नहीं कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन सच में मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों का प्यार है तभी अनुराग भाई है, यस, आप लोगों का प्यार है तभी हमारा भाई है, याद ही करता हूँ। और भाई ऐसे ही आप सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहो भाई। जरूर जरूर, मिलके बहुत अच्छा लगा सच में। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। लाइफ आगे रहेगी तो ऐसे ही मुलाकातें होती रहेंगी, और स्पेशली मैं ट्रेवलिंग करता हूँ तो मैं आया करूँगा आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला जरूर जरूर जरूर। चलिए तो फिर इसी बात पर सबको जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा मिलकर। मेरे बड़े भैया हैं और वो भाभी जी, इन्होंने बहुत हेल्प की मेरी सच में यार, मिलके अच्छा लगा आपसे, धन्यवाद। तो जब तक ये गाड़ी घुमाएंगे मोड़ेंगे जाएंगे तब तक मैं यहीं खड़ा रहूँगा, और आगे आप लोगों से उसके बाद मैं बात करूँगा किस हिसाब से यहाँ मुझे मिले थे। ठीक है, बाय बाय, जय श्री राम, हैप्पी जर्नी, जय श्री राम। तो अब ये जाएंगे द्वाराहाट। कमाल हो गया सच में यार, मतलब मेरे लिए ना राम जी मिल गए मुझे यहाँ। ओके, बाय बाय।
तो जा रहे हैं भाई। चलो आपकी यात्रा भी मंगलमय हो, राम जी की और श्री बाबा केदारनाथ जी की कृपा बनी रहे आप पर। और मुझे चलना है इधर, अपनी बातों को अभी थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। मैं कर्णप्रयाग से जस्ट निकला ही था 10 किलोमीटर आगे। आप लोगों ने एक वीडियो में, रानीखेत वाली वीडियो में, एक भैया का फ़ोटो देखा होगा आपने साथ में गाड़ी। वो भैया जी मुझे रानीखेत में मिले थे, रानीखेत सिटी से थोड़ा आगे, और मैं पैदल आ ही रहा था कि उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि तुम अभी कहाँ हो। मैंने बताया कि मैं कर्णप्रयाग में हूँ। तो वो भैया और भाभी जी दोनों केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करके नीचे आ गए थे, तो जस्ट यहीं पीछे मुझे मिले थे और होटल में उन्होंने खाना खिलाया। ये बहुत अच्छी बात है। मैं मतलब बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। इस जर्नी, इस यात्रा के दौरान मुझे बहुत से लोग मिले, पल पल फ़ोन करके यही बोलते हैं वहाँ पहुँचना तो मेरे लिए दुआ करना, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना। बहुत से लोग ऐसे भी मिले हैं जो रास्ते में मुझे 10, 20, 25, 50 रुपये देते हैं, बोलते हैं श्री बाबा केदारनाथ जी में चढ़ा देना। तो मैं उन सबकी बातों को एक साइड में रखता हूँ और ये भैया जी उनकी बातें मैं आगे लेके आता हूँ। सच में यार मुझे ना बहुत अच्छा लगा यार, सच में अभी तक के सफ़र में मुझे इनके जैसा कोई नहीं मिला। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी को किसी से, हाँ बस जिसको जो मतलब जो जिसका हकदार है, बस मैं वो बातें बता रहा हूँ। तो भैया जी ने मेरे लिए बहुत ढेर सारा सा सामान दे दिया है। ये छोटा सा बैग भाई एक रेडी हो गया है। अब थोड़ा चलना मुश्किल हो रहा है। सच में मतलब रोना आ रहा मुझे, सच में मैं रो नहीं पा रहा हूँ, आंसू नहीं निकल रहे भाई। इन आँखों के अंदर ना इतनी आग लगी है कि वहीं जल गए आंसू। और भैया जी ने कुछ पोर्टेबल सामान दिया है, आगे चल के जर्नी में कहीं जब कैंपिंग वगैरह करूँगा तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करूँगा। और सबसे बड़ा क्रेडिट है जो वो उन भैया इनका है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत तेज की है और कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहा था यार जहाँ रुक सकूँ मैं, थोड़ा सा रेस्ट करूँ, पानी वगैरह पीऊँ, क्योंकि होंठ सूखने लगे हैं। और मैं सोच रहा था यार कहीं पहाड़ों से पानी नीचे आ रहा हो, उसी जगह रुकते हैं क्योंकि वो पानी ठंडा भी होगा, पीने में मज़ा भी आएगा। हवा भी बहुत गर्म गर्म चल रही है यार। मैं ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ बता रहे, ऊपर जाने में तो ठंड लगती है यार। कल रात को जहाँ सोया था धर्मशाला में, 1% की भी ठंड नहीं लग रही थी, ऊपर से गर्मी लग रही थी, और जबकि उधर से आया था जब बहुत ठंडी लगती थी यार। तो हवा बहुत तेज़ की चल रही भाई, कोई अच्छी सी जगह मिलेगी वहाँ थोड़ा बैठूँगा, रेस्ट करूँगा। बाकी भैया जी की मेहरबानी से कुछ पोर्टेबल चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे दे दिया है, और वो अपनी ट्रैवलिंग टाइम यूज़ कर रहे थे केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के समय, तो उन भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कह सकता हूँ, श्री राम जी की और श्री बाबा केदारनाथ जी की आदि अनंत शिव की महिमा हमेशा उन पर बनी रहे और उनके परिवार पर, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। एक शॉर्टकट ले लेता हूँ यहाँ से, वो रोड है ना नीचे वो दिख रही है, वहाँ जाना है। अब तो मुझे शॉर्टकट भी मालूम चलने लगे हैं, कहाँ मिलेगा। तो ऐसी जहाँ भी रोड बैंड रहती है ना भाई, उस जगह शॉर्टकट ले लिया करूँगा, क्योंकि इससे थोड़ा आसानी होती है नीचे उतरने में, नहीं घूम के तो उसी जगह आना है। अब देखो उधर से घूम के आता तो कम से कम 500-600 मीटर लंबा पड़ जाता है। अरे बाप रे गिर गया था यार। तो ये चलते हैं नीचे भाई मेन रोड पर। तो भाई ये देखिए शॉर्टकट के जरिए रोड पर आ गया मैं। यहाँ के गांव वाले बहुत होशियार होते हैं, तभी तो बोलते हैं कि हम समतल ज़मीन वालों से ज़्यादा पहाड़ों पे भाग के चल लेते हैं, क्योंकि वो अक्सर शॉर्टकट के रास्ते बना के रखते हैं ना, इसीलिए। वो बहुत तेज़ है भाई अभी, सच में अभी 2:30-3 बज रहा है, चल नहीं जा रहा है यार, इतनी धूप है, पसीना हो जाता है, तुरंत नमक जैसा बन जाता है। तो यहाँ भाई बैग वगैरह रख दिया है, पानी बोतल में था, गर्म हो गया था, इतनी धूप थी। खैर पानी पी लिया हूँ, पानी आगे चल के कहीं मिलेगा, तो अभी यहाँ बैठा हूँ भाई। और पीछे अलकनंदा नदी बह रही है, सीधा रुद्रप्रयाग जाएंगी। तो 10-15 मिनट बैठ कर यहाँ रेस्ट कर कर उसके बाद आगे यहाँ से निकलूँगा। मौसम बदल रहा है और देखो कितना बादल छा गया है, बारिश हो सकती है ऐसा लग रहा है मुझे। चलो खैर कोई बात नहीं, बारिश नहीं भी होगी तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, कम से कम छाँ तो हो गया है, थोड़ा थोड़ी राहत तो मिली यार गर्मी से। पानी भी नहीं है यार, पानी ख़त्म हो गया है, पानी गर्म हो गया था। यहाँ कहीं से भी पहाड़ों से पानी अभी नहीं आ रहा।
तो आगे चल के एक बोतल पानी भर लेता हूँ। 4 बज गए हैं और रुद्रप्रयाग का डिस्टेंस है यहाँ से 10-12 किलोमीटर। अब अभी ये बिल्कुल नई रोड बन रही है यार, और डांवर अभी गीला है, मेरे जूते पकड़ ले रहा है भाई, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो यहाँ भाई नई रोड बन रही है, वाह, बारिश हल्का हल्का होने लगा, पानी की बूंदें गिरने लगी हैं, और आगे चल के कहीं रुकूंगा वरना भीग जाऊंगा यार। है तो ओढ़ने के लिए पॉलीथीन, लेकिन फिर मुश्किल हो जाएगा ना, जूता भी भीग जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। बारिश आ गई और रुकने की जगह नहीं मिली यार अभी, और मैं सोच रहा हूँ जूते भी ना भीगे तो और आगे चल के कहीं रुकता हूँ यार, वरना गीले जूते पहन के कहाँ तक चल पाऊँगा। मौसम कहर ढा रहा है, थोड़ा सा वेट बढ़ गया है ना, इसीलिए चल नहीं पा रहा हूँ, पीछे का खींच रहा हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी तो खींच के चलूँगा, ऊपर पत्थर गिरने का डर, क्योंकि लटके हुए हैं ना। अब अभी एक गांव मिल गया है जिसका नाम है रतूड़ा, तो रतूड़ा गांव ये है भाई। बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन बादल बहुत घनेरे छाए हैं, हो सकती है तो रतूड़ा में कोई अच्छी सी जगह देख के थोड़ा देर रुकता हूँ भाई, उसके बाद आगे बढ़ूँगा मैं। मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं रुद्रप्रयाग नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि बादल भी छाए हैं और साथ ही साथ अभी 8 किलोमीटर है रुद्रप्रयाग यहाँ से भाई, खतरनाक वाला मौसम है यार। रतूड़ा गाँव में ही बारिश होने लगी यार, ये देखो। तो अच्छा हुआ भाई मैं ये एक बस स्टॉप का ये ऐसा बना हुआ है तो इधर ही खड़ा हो जाता हूँ, वैसे सीट बहुत गंदी है, बैग नहीं रखूँगा। तो अभी भाई बारिश निकलेगा जल्दी से तो यहाँ से रुद्रप्रयाग की तरफ जाऊँगा। बहुत खतरनाक वाली बारिश हो रही है देखो, आओ भाई साहब जल्दी आओ नहीं भीग जाओगे आओ। ये देखो भाई बहुत भयानक बारिश होने लगी यार, 1.5-2 घंटे ताबड़तोड़ बारिश हुई है यार। मैं वो बस स्टैंड पे यार खड़ा था कम से कम 1.5-2 घंटे तक, अभी बारिश निकल गई है तो रुद्रप्रयाग यहाँ से 8 किलोमीटर है, 7-8 किलोमीटर। तो आगे चल के एक हनुमान जी का मंदिर है भाई, वहाँ बात करूँगा, वहीं आज रात रुक जाऊँगा। और आज तो बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि शाम को 6 बज गए हैं, तो आज बहुत मुश्किल है कि रुद्रप्रयाग पहुँच पाऊँगा, अंधेला हो जाएगा। ये रोड पर ये अभी पत्थर गिरा है, माँ कसम ऐसे पत्थर गिरते हैं देखो, यहाँ से बारिश हो गई है ना तो बड़े बड़े पत्थर भाई नीचे गिरते हैं। जिंदगी मतलब मुट्ठी में रहती है इंसानों की भाई, क्या बताएं भाई साहब, मौसम देखो कैसा हो गया, खिला खिला सा, क्या बात है, लोग जन्नत में घर बना लेते हैं, स्वर्ग में घर बनाए, देखो वही स्वर्ग है भाई, समझ रहे हो ना, वही स्वर्ग है, वहीं घर बना के रह रहे हैं लोग। तो चलो भाई साहब चलते हैं आगे, मंदिर तक पहुँचता हूँ और देखता हूँ मंदिर में रहने की क्या सुविधाएं हैं। रोड में पानी भरा है, किधर से निकले यार, किधर से निकले भाई, बहुत गड़बड़ हो गई यार। जब गाड़ी नहीं आएगी जब निकलूंगा, वरना बहुत तेज का मारेगी ये देखो। तो भाई यहाँ देखो पानी इकट्ठा हो गया है, नीचे निकलने की जगह नहीं है, ऊपर से पत्थर भी गिर सकते हैं, तो यहाँ तक तो आ गया है। अब आगे आगे जूते भीग गए, ये देखो आधे आधे भीग गए यार, इतना पानी भरा था रोड पे, जल्दी से नहीं निकलता ना तो गाड़ी वाला भिगो देता। मैं आ चुका हूँ चित्रकूट धाम और यहाँ बात करूँगा आज रात रुकने के लिए। अभी यहाँ से रुद्रप्रयाग 7-8 किलोमीटर दूर है तो नहीं जा सकता। रुद्रप्रयाग से पहले एक चित्रकूट धाम करके आश्रम है जहाँ की आज रात मैं रुका हुआ हूँ, और शाम को बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो भाई 6 बज गया था, 6 क्या मतलब 6:30 बज गया था, तो अभी 6-7 किलोमीटर जा नहीं पाता रुद्रप्रयाग। तो सौभाग्य से भाई मिल गया ये आश्रम, चित्रकूट धाम नाम से है, तो अभी वहाँ गद्दा लगा भाई, वहीं सो जाऊँगा मैं। एक भाई और भी है, वो साइकिल यात्री है, बाकी ये एक तरह से स्टोर रूम है, इधर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बाकी सुबह में मिलेंगे आप लोगों से। अभी सुबह के बज रहे हैं 6, और देखिए कल रात को कपड़े मैंने अपने धो दिए थे, गंदे हो गए थे तो यहाँ डाल दिया हूँ सूखने के लिए। भाई देखो आंधी कितनी तेज की चल रही है, देखो सुबह 6 बजे तूफान चल रहा है भाई, और उधर रेलवे लाइन का काम चल रहा है उस तरफ, वो बन रहा है टनल, बता रहे हैं ऋषिकेश से आएगी लाइन यहाँ, और आगे एक आर्मी का वो पड़ा हुआ है,
बेस कैंप उधर कहीं, तो वहीं जाएगी वो रेल लाइन। तो भाई कपड़े सूखने के लिए डाल दिए, अभी गिर गया था यार, इतनी तेज की आंधी चल रही है। टी शर्ट लाऊंगा, उसे फोल्ड करके अंदर रखूंगा। एक साइकिल यात्री भाई अपने, ये क्या नाम भाई आपका? कन्हैया। ये भाई भी साइकिल से यात्रा गए, बद्रीनाथ से होके आ रहे हैं। फाइनली सुबह में ये चित्रकूट धाम आश्रम छोड़ रहा हूँ मैं। अब रेलवे लाइन का वो टनल बन रहा है अंदर, वहाँ जाके गुफा है, आगे जाके गुफा है। यही कुछ पाँच पाँच दस दस बीस बीस किलोमीटर की गुफाएं हैं, और ऋषिकेश से रेलवे लाइन आएगी यहाँ। कल की रात मैं ये पीछे चित्रकूट धाम आश्रम में रुका हुआ था, तो वीडियो के एंडिंग नहीं कर पाया था, तो अभी कर देते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पे जरूर फॉलो कीजिएगा। सभी की आईडी सेम है, मुसाफिर अनुराग। मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बाबा केदारनाथ।